Welcome, my dear students. I welcome you all to Job Sada. मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं एक पेपर हमने खोला हुआ है. ये पेपर हाल ही में जो एग्जामिनेशन हुआ है JKS के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें इंग्लिश का ये पेपर है. तो आइए इस इंग्लिश के पेपर को हम डिटेल के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्या क्या ग्रामर इस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछी गई थी और सही जवाब क्या है इसके. सबसे पहले जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें, ये नसीहत है हमारी कि सबसे पहले आसान क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए. अगर आप पहले से ही मुश्किल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपका टाइम उसी में फंस जाएगा. और जहां पर आपको बताया गया है कि टाइम को कितना है, टाइम 3 घंटे है और 3 घंटों में 300 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको सिक्योर करने हैं. तो आइए सबसे पहले आसान क्वेश्चन को हल करते हैं. ये आपके इंस्ट्रक्शन इसमें बताए गए हैं. ओके, आंसर बी रिटन इन इंग्लिश ओनली. ये आपको ऐसे वगैरह है. आगे चलते हैं. ये देखिए आप, ये ग्रामर वाला पोर्शन है. सबसे पहले हम बात करेंगे एंटोनिम की. ओके, विल टॉक फर्स्ट अबाउट एंटोनिम्स. सबसे आसान ये वाला पार्ट है. आइए इसको हम करेक्टली आंसर्स उसके देते हैं. सबसे पहला वर्ड है, ये आपके केस पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है इंग्लिश. इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए. इसमें आपको जो एंटोनिम्स पूछे गए थे इन वर्ड्स के, देखिए आपने क्या लिखे और सही आंसर क्या है. फर्स्ट इज इफेस. इफेस इज ए वर्ड. इस इफेस का हमने एंटोनिम मालूम करना है. इस इफेस का एंटोनिम, एंटोनिम मालूम करने से पहले आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इफेस. इसकी मीनिंग क्या है? इफेस का मतलब होता है किसी चीज को डिसअपीयर करना, नजरों से ओझल कर देना, रिमूव कर देने का नाम होता है इफेस. फेस इज टू अपीयर, इफेस इज टू डिसअपीयर. तो क्या मतलब होता है इफेस का? मतलब होता है टू डिसअपीयर समथिंग, किसी चीज को नजरों से ओझल करने का नाम इफेस है. यानी कि टू मेक समथिंग डिसअपीयर और टू रिमूव समथिंग, वी कैन कॉल दिस एज एन इफेस. टू रिमूव. अब आप खुद बताइए एंटोनिम क्या होता है. एंटोनिम ग्रामर में, वोकैबुलरी पार्ट में दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग में डायरेक्टली अपोज करें एक दूसरे को, या बड़े पर्दे पे ऑन ए लार्ज, ऑन ए वाइड स्पेक्ट्रम जो एक दूसरे को अपोजिट हो मीनिंग वाइज, उन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं. तो इफेस का मतलब होता है टू रिमूव और टू डिसअपीयर समथिंग. नाउ व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस? एंटोनिम तो ये बन सकता है, अपीयर हो सकता है. बोलो, अगर मैं डिसअपीयर से करूं तो क्या आएगा इसका? अपीयर. अगर यहां रिमूव है तो इसका क्या बनेगा? क्रिएट, कंस्ट्रक्ट. ये सारे इसके क्या है बच्चों? बोलो, एंटोनिम्स है. पर यहां पर एग्जामिनेशन में हमें इसका परफेक्ट एंटोनिम देना है. एंटोनिम तो इसके बहुत सारे हैं. अब एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, विच फेवर्स मोस्ट इन दिस कंडीशन, कौन सा है? इफेस का यहां मतलब है टू डिसअपीयर. और टू डिसअपीयर का जो एंटोनिम होगा, द मोर एप्रोप्रिएट वी कैन से इज सिंपली, इसमें आएगा क्रिएट और कंस्ट्रक्ट. अगर हम क्रिएट और कंस्ट्रक्ट को लेंगे, दोनों की एक मीनिंग है, बिल्ड की एक मीनिंग है. तो यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज जो इसको मिलेगा इफेस को, वो मिलेगा क्रिएट को. क्रिएट, और जब आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट का क्रिएट मींस टू कंस्ट्रक्ट और टू बिल्ड. और जब क्रिएट या बिल्ड होता है तभी तो आपके नजरों के सामने आएगा
तो इसका मतलब इफेस का जो सबसे अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा वो होगा क्रिएट, कंस्ट्रक्ट और बिल्ड, और इनमें सबसे ज्यादा किसको मिलेगा बेटे, क्रिएट को। अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो हमने इसका पहला क्या आंसर दिया, क्रिएट, इफेस क्रिएट। दूसरा, हमारे पास दूसरा वर्ड है एलोक्वेंस, 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 प्रोनाउंसिएशन इज एलोक्वेंस। इस एलोक्वेंस का मतलब होता है, नाउ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों है एलोक्वेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑरेटरी, यानी कि जब कोई इंसान फ्लुएंसी के साथ बोलता है, एक्सप्रेसिवनेस, यानी कि अपने बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने का जो हुनर है, एलोक्वेंस, फ्लुएंसी, एक्सप्रेसिवनेस, ये इसके मीनिंग्स है। क्या है, फ्लुएंसी और ऑरेटरी, आर्टिकुलेटनेस, अपनी बात को जमकर खुलकर इजहार करने का नाम है एलोक्वेंस। आप इसका जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम ये है कि आपका जो एक्सप्रेशन की स्किल्स है वो बेकार है, आप फ्लुएंट नहीं है, आप आर्टिकुलेट नहीं है, तो इसका जो प्रॉपर एंटोनिम होगा वो होगा इन आर्टिकुलेटनेस। क्या होगा बच्चों, इन आर्टिकुलेटनेस, इसका एंटोनिम इज इन आर्टिकुलेटनेस। पहले इफेस में हमने देखा क्रिएट, और दूसरा एलोक्वेंस में हमने देखा कि इसमें आएगा एंटोनिम इन आर्टिकुलेटनेस, और सिंपली अगर इसमें देखा भी जाए इस एलोक्वेंस का इन एलोक्वेंस भी है। वेरी गुड, क्लियर हुआ, क्योंकि आपका रिटन पेपर है, आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, आप साइड बाय साइड इनके लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर वो इसमें से क्या चूज करेगा। ओके, तो आपने इसका सही आंसर क्या है, इन आर्टिकुलेटनेस भी है, इन एलोक्वेंस भी है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसमें दिक्कत तो आ जाती है, क्योंकि जहां पर चार ऑप्शन दिए गए हमें उसी में से चूज करना है, और यहां पर तो मस्त है, जो आता है लिख लीजिए। इसके बाद हमारे पास है एक वर्ड है, वो है जियोली, जी यू आई एल ई, गॉयल। इस गॉयल का मतलब होता है, ये वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जी यू आई एल ई, गॉयल। दिस वर्ड सिग्निफाइज, ये मैनर है, इट इज ए मैनर, डिसीटफुल मैनर, डिसीटफुल मैनर, एक ऐसा सलूक, एक ऐसा बर्ताव जिसके अंदर बेईमानी हो, धोखाधड़ी हो, दिस वी कॉल एज गॉयल। गॉयल का मतलब होता है बेईमान, और ये तरीका, ये सलूक, ये बर्ताव, इस मैनर का नाम पड़ेगा गॉयल, इसके जिसमें के अंदर क्या है, डिसीटफुल मैनर या कनिंग मैनर, सी यू एन एन आई एन जी, कनिंग मैनर, वी कैन कॉल दिस एज गॉयल। ओके, सो अगर मैं इसका दूसरा भी मीनिंग करूंगा, ये फर्स्ट मीनिंग है, सेकंड मीनिंग इसका है सिली, थर्ड इसका है कनिंग, सी यू एन एन आई एन जी, कनिंग। ये तीनों जो है ये शो करते हैं कि ये मैनर जो है इसके अंदर ऑनेस्टी नहीं है। सो ये इसकी मीनिंग्स है, इसका जो एंटोनिम बनेगा, एंटोनिम इसका आएगा ऑनेस्टी, सबसे जो अप्रोप्रिएट इसका है वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। धोखाधड़ी का अपोजिट क्या है, ईमानदारी। तो इट इज एंटोनिम ऑफ दिस गाइड। ये मैं पेपर बच्चों बात बताओ, ये हम केएस का पेपर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो बनते हैं उनका ये पेपर इंग्लिश का है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो पहले इफेस में हमने देखा इसका एंटोनिम है क्रिएट, एलोक्वेंस का देखा इन एलोक्वेंस या इन आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेटनेस, गाइल का हमने देखा ऑनेस्टी,
ला एक और है जिसका नाम है ज्वेल, ज्वेल इसका मतलब होता है, ये भी हमारे पास एक मैनर है, ये भी एक मैनर है, ये इंसानों के मैनर्स है। एक गॉयल में देखा हमने ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये किसके है, ह्यूमन नेचर में है। जिसकी तरह से दूसरा है ज्वेल, ज्वेल जो है ये भी इंसानों का ही एक बर्ताव का तरीका है, जिसमें हम कहेंगे इट, इसका मीनिंग है चेयरफुल और फ्रेंडली, चेयरफुल और फ्रेंडली। सो ये जो है ज्वेल, इसका मतलब होता है चेयरफुल या फ्रेंडली। एंटोनिम क्या होगा, अनफ्रेंडली, इसको जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम इसका होगा दोस्तों अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली समझ में आ रहा है, अनफ्रेंडली इसका है, हाँ अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, गॉट इट, वेरी गुड। इस ज्वेल को मैं अगर थोड़ा और बारीकी से आपको समझाऊं, इसका ये मतलब होता है वो सुलूक, एक इंसान जो हंसता मुस्कुराता हो, घुल मिल जाता हो दूसरे से इजीली, एक फ्रेंड सर्कल बनाने वाला हो, ज्वेल। एक वो होता है जो सिर्फ अपने आप में खोया रहता है, परेशान है, दैट इज पेसिमिस्टिक। अगर इस ज्वेल को आप दूसरा भी ले सकते हैं तो पेसिमिस्टिक इसका एंटोनिम बनेगा, पेसिमिस्टिक भी इसका सही है, पेसिमिस्टिक भी और अनफ्रेंडली भी, द मोर एप्रोप्रिएट इज अनफ्रेंडली। इसका भी लास्ट में है मेलाइस, ओके, बहुत बहुत आसान पेपर है ये, कोई मुश्किल नहीं है। मेलाइस इसका मतलब होता है दोस्तों, ये भी ह्यूमन नेचर है। तो कितने आपको ये जो क्वेश्चन सारे आए थे ना, ये एंटोनिम की ह्यूमन नेचर है, ये सारे क्वेश्चन जो आपको एंटोनिम पूछे गए थे, दीज ऑल आर ह्यूमन नेचर्स, एफेस, एलोक्वेंस, गॉइल, ज्वेल, मेलाइस। इस मेलाइस का मतलब होता है इल विल, क्या मतलब होता है इसका, इल विल, यानी कि आपके पास ऐसी ख्वाहिश है, ऐसा आप दूसरे के बारे में सोचते हैं कि मेरी वजह से उसको गॉड फॉरबिड नुकसान पहुंचे, इल विल, शातिरपन, तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में मेलाइस, मेलाइस, इट इज इल विल। अब इल विल का जो अपोजिट होगा, जो इसका अपोजिट है, जो इसके एंटोनिम होगा, वो है बेनेवोलेंस या काइंडनेस, समझ रहे हैं आप। सो ये जो दो चीजें हैं, ये किस लिए है, मेलाइस के। सो यहां तक हम समझ गए कि इनके जो हमारे पास एंटोनिम्स है, इफेस का मैं रिपीट कर ले तो, इफेस का है क्रीट, एलोक्वेंस का इन एलोक्वेंस या इन आर्टिकुलेटनेस, गॉइल का हमारे पास क्या है, गॉइल मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉइल, हमारे पास इफेस है, एलोक्वेंस है, एंड गॉइल का मतलब होता है डिसीटफुल मैनर। तो इसका जो अपोजिट हमने लिखा है वो है ऑनेस्टी, और ज्वेल का मतलब होता है इलविल, सॉरी ज्वेल का मतलब होता है चेयरफुल, इसका हमने लिखा है अपोजिट अनफ्रेंडली या ग्लूमी, और इसके बाद है मेलाइस, मेलाइस के बाद का जो मीनिंग है वो है इलविल, तो इसका हमने लिखा है बेनोवेलेंस या काइंडनेस। तो यहां तक हमने ये सारे जो है आंसर्स दे दिए है, सर ने आपके सारे जो है पेपर को सॉल्व कर दिया है, और मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये पेपर, ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे, हाँ ये वाला पार्ट कमाल का मजेदार है, देखते जाइए। राइट इज द फॉलोइंग सेंटेंस आर डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग को चेंज नहीं करना है और हमने इसका आंसर बतलाना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, कंटेंट को चेंज नहीं करना है और जो पूछा गया है बस उसी के हिसाब से चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए पहला सवाल इसमें है, ये बड़ा मजेदार सवाल है, इफ यू टेल द ट्रूथ यू विल नॉट बी पनिश्ड, राइट द सेंटेंस बाय यूजिंग अनलेस। देखिए
सबसे पहली बात आपको बता दूं। हाँ सर बताइए, ये जो क्वेश्चन है ना, इफ यू टेल द ट्रूथ यू विल नॉट बी पनिश्ड, राइट द सेंटेंस बाय यूजिंग अनलेस। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए अनलेस वगैरह ये है क्या। देखो इफ है, अनलेस है, ये जो दो यहां पर वर्ड्स यूज हुए, एक इफ हुआ यूज, दूसरा क्या है अनलेस लगाना है। अब सुनिए ध्यान से, इफ और अनलेस इन दोनों को हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या कहते हैं इनको? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। वेरी गुड। ये कंजक्शन हमें हेल्प करती है बनाने में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और मैं आपको बतला दूं यहां पर दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास दो क्लासेस होते हैं। क्या होते हैं? दो क्लासेस होते हैं। हाँ, हमारे पास इफ और अनलेस सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस है। ये कंजक्शंस बनाती है हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें दो क्लास होते हैं। एक क्लास होता है जिसमें जिसको बोलते हैं मेन क्लास। ध्यान से सुनिएगा, एक मेन क्लास, दूसरा होता हमारा डिपेंडेंट क्लास। मेन क्लास को प्रिंसिपल क्लास भी बोल सकते हैं, रूट क्लास भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास प्यारे बच्चों हम उसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सब ऑर्डिनेट क्लास। यानी कि डिपेंडेंट क्लास इज द क्लास विच डिपेंड्स फॉर इट्स मीनिंग ऑन द मेन क्लास। ये मेन क्लास पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट मेन पे डिपेंड करता है, और मेन होता है इसका इंडिपेंडेंट। और जिन कंजक्शन से ये बनता है उन्हें कहते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इफ और अनलेस उसी के एग्जाम्पल्स है। अब हमने यहां पर इस सेंटेंस का नेचर चेंज नहीं करना है, हमने इसको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ही रहने देना है। We don't have to change here the nature of sentence. We have to keep it complex. Rather, we have to change just the subordinate conjunction. If के बदले हमने unless को लगाना है। पढ़िएगा ध्यान से। If you tell the truth, सबसे पहले आपको एक और बात बताऊं, कमाल की बात है, कमाल की बात। ये ग्रामर जॉब सड्डा पर पढ़ाया जाता है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, कर दीजिए, लाइक करिए, कुछ शेयर कीजिए, ताकि क्वालिटी एजुकेशन आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाए। सुनिए, एक हमारे पास होता है ट्रुथ, पता होना चाहिए ना भाई, एक होता है द ट्रुथ, इसको ट्रुथ पढ़ते हैं। अब सवाल है ट्रुथ और द ट्रुथ में क्या फर्क है। एक होता है एक बंदा, मान लीजिए ए पर्सन का नाम ए इज ए पर्सन, बी इज ए पर्सन। एक आदमी है जो कभी कभी सच बोलता है, एक वो है जो हर बारी सच बोलता है। कभी कभी सच बोलना एट्रुथ कहलाता है, पूरा सच नहीं, पूरा सच नहीं, कुछ छुपा रहा है। एक होता है द्रट्रुथ, पूरे का पूरा सच। अभी आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसा अच्छा लग रहा है, अच्छा कमाल लग रहा है तो पूरा पूरे का पूरा सच लिख दे। बात समझ में आ रही है? द्रुथ का मतलब क्या होता है? पूरे का पूरा सच, विदाउट हाइडिंग द ट्रुथ। एट्रुथ मीन्स यू आर स्पीकिंग ट्रुथ बट You are hiding some facts to the truth. So, यहां पर बात हो रही है total truth की। If you tell the truth, you will not be punished. Rewrite the sentence by unless. देखो यहां पर क्या है? If you tell the truth, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। देखो, if you tell the truth, ये हमारे पास एक क्लास है, मामा इसलिए तो आया मामा, और दूसरा ये क्लास है। हमारे पास में दो क्लासेस है, आराम से समझिएगा। अब देखिए, यू विल नॉट बी पनिश्ड, ये हमारा है मेन क्लास। क्या है? क्योंकि अगर मैं पहले वाले क्लास को हटा भी दूं तब भी ये वाला क्लास जो है इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। समझ गए आप? प्रिंसिपल क्लास है ये। ओके, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। बीच में एक शेर भी हो जाए ताकि आप एनर्जाइज फील कर सके। हाँ, शायर ने लिखा है, क्या लिखा है शायर ने लिखा है, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में हो सर ये जरूरी तो नहीं, उनकी आगोश में हो सर ये जरूरी तो नहीं। और आप
आपको इंग्लिश पूरी ना आए ये जरूरी तो नहीं, आपको पूरी की पूरी ग्रामर आ जाएगी ये जरूरी है, क्योंकि आपको सर ने पढ़ाया है, आप सर से पढ़ रहे हैं, कमाल की ग्रामर हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू टेल द ट्रुथ, ये हमारे पास बनेगा डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ये है इंडिपेंडेंट क्लास। और इसको बनाने के लिए जो लगा ये है हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। हम डिटेल से इसके आंसर बता रहे हैं, ये नहीं कि हम सर इसको बना के दे ना, पूरा एक्सप्लेन करके बताएगा। इफ यू टेल द ट्रुथ यू विल नॉट बी पनिश्ड। अब नाउ लिखा है अगर इफ यू टेल द ट्रुथ, अगर सच बताओगे, बताते हो तुम, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। ओके और ये वाला जो सेंटेंस जो ये फ्यूचर सिंपल में, किसमें? फ्यूचर सिंपल में है। और ये जो है किसमें? ये प्रेजेंट सिंपल में, किसमें है? और अगर ग्रामर आपने सही से पढ़ी है तो इसे हम कंडीशनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इफ यू टेल द ट्रुथ इन फैक्ट यू विल नॉट बी पनिश्ड, तो इट इज जीरो कंडीशनल। इस सेंटेंस को हम बोलते हैं जीरो कंडीशनल। और कितनी डिटेल दे मिया, अब इसको हमने अनलेस बनाना है। अनलेस में खुद ही सेंस है इफ नॉट की, इफ तो होता है अगर, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, एक्सेप्ट इफ, इसके बिना। अब मैं बताओ अगर बंदा सच बोलेगा उसको सजा मिलेगी? अरे नहीं मिलेगी। अगर सच नहीं बोलेगा तो सजा मिलेगी। तो अगर नहीं का मतलब होता है अनलेस। इसका मतलब इसको हम चेंज ऐसे कर सकते हैं, पहले आपने नोट किया है नोट कर लीजिए, सुनिएगा ध्यान से। हाँ अब मैं यहां पे लिखता हूं अनलेस का मतलब होता है, अनलेस मीन्स इफ नॉट और एक्सेप्ट इफ। तो इसको आसान कर देंगे, अनलेस यू टेल द ट्रुथ, unless you tell the truth you will be punished, this is the answer of this question. How simple this is, it is so simple to answer. ye dekho pehle wale mein abhi, ye abhi, ha sir ji kya abhi ye complex sentence hi hai, still this is a complex sentence, but what is the difference? The difference is that इसमें हमको बताया गया है if you tell the truth you will not be punished। हमने कहा अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो फिर मार पड़ेगी, तो फिर डांट पड़ेगी, क्या? Unless you tell the truth you will be punished, this is the answer of this first question। So we don't have changed the meaning of the sentence, we have not changed the context, or rather we have changed the subordinate conjunction। यहां तक सबको समझ में आया है? Very good, आगे चलिए। He is honest, he is poor. Now, ये वाला भी क्वेश्चन जो आया है ये दो और आल्दो, पूरी ध्यान से बात सुनिए, ये दो और आल्दो, ये दो आल्दो, ये दोनों भी है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ये दोनों का काम होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास बनाना। ये लगते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास को बनाने के लिए। अब देखिए हमने कहा वो ईमानदार है और साथ में गरीब है, अब क्या होना तो ये चाहिए था कि बंदा गरीब है फिर भी ईमानदार, बंदा गरीब है, गरीबी से उसकी ईमानदारी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो रूखी सूखी खाता है लेकिन ईमानदारी में कोई उसको समझौता नहीं है। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स, अगर आप कम ही कमाएं, अगर सैलरी कम हो लेकिन उस सैलरी में ईमानदारी की झमक हो, उस सैलरी में ईमानदारी की रमक हो, तो फिर मालूम यह होगा कि आप एडुकेटेड है, आप सिर्फ पढ़े लिखे नहीं है, आप तालीम याफ्ता है। तो इसका यह मतलब है अगर गरीब ही सही है लेकिन ईमानदार तो है, मेहनत से काम कर रहा है, मुफ्त की कमाई नहीं खाता है, पैसे को हलाल करता है। अब देखो इसमें कैसे चेंज करेंगे हम,
यहां पर लिखा है हमने दो या यूज दो और ऑल दो, ये दोनों सेम है लेकिन थोड़ा फर्क है. दो इज इक्वल टू ऑल दो बट देयर इज अ डिफरेंस. मैं बताता हूं, देखो ही इज पुअर, वो गरीब है. ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट. ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट. अब यहां पर आपको खुद सोचना चाहिए कि कौन सा हम मेन क्लास बना देंगे. मेन क्लास होगा भाई वो गरीब तो है फिर भी ईमानदार है, तो इसको हमने लिखा है इस तरीके से. ध्यान सुनिएगा, although he is poor, comma he is honest. He is honest, comma though he is poor. ये इसके दो आंसर्स है. चाहे आप although इस्तेमाल करिए या दो इस्तेमाल करिए, इसके सही आंसर ये है. although he is poor, he is honest though he is poor. हुआ क्या है, although को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हैं. हाँ, ये बात याद रखने वाली बात है. We begin with sentence with although, और यहां पर हमने ये जो है although he is poor, he is honest. गरीब होने के बावजूद भी वो ईमानदार है. इसको हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास बनाया, उसको इंडिपेंडेंट रखा. इसको यहां पर हमने इंडिपेंडेंट बनाया और यहां पे इसको हमने क्या रखा, डिपेंडेंट. दोनों के केस में जो ईमानदारी है वो क्या है, गरीब बंदा तो है लेकिन ईमानदार फिर भी है. ऑल्दो ही इज पुअर, अगर मैं ऐसे लिखता ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट कॉमा ही इज पुअर, ये सेंस नहीं बना रहा है. और मैं लिखूंगा he is poor though he is honest, wo sentence nahi ban payega. This is the right configuration of the sentence. I hope ki aap sabhi ko kamal se samajh mein aa raha hoga. Okay, iske baad third sentence hai. In spite of being a small boy, he fought the giant. Next question. In spite of being a small boy, he fought the giant. इसको हमने, अब देखो यहां पर बताया गया है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. अब सबसे पहले बच्चे को तो पता होना चाहिए भाई कंपाउंड क्या होता है. कंपाउंड सेंटेंस वो होता है दोस्तों जिसमें दो क्लासेस होते हैं. क्या होते हैं, दो क्लासेस, और इन दो क्लासेस में दोनों होते हैं इंडिपेंडेंट. अभी जो हमने पढ़ा ना कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट था दूसरा इंडिपेंडेंट था. इस वाली कंडीशन में दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है. उसमें एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट. यहां पर दोनों क्या है, यहां पर दोनों हमारे पास क्या है, बोलिए, यहां पर दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट है. यानी ये कोई क्लास दूसरे पे डिपेंड नहीं है. और इसको बनाने के लिए हमें जो कंजक्शन लगते हैं वो कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन. क्या बोलते हैं उनको, कोऑर्डिनेट कंजक्शन. कोऑर्डिनेट कंजक्शन को मैं आपको आसान सी फॉर्मूला बता दूंगा. For boys, ये आपने फॉर्मूला याद रखनी है. कोऑर्डिनेट कंजक्शन इसी में आएगा. F for, O for or, okay. B for but, Y for yet, S for so, okay. ये आपने याद रखना है. यहां इसको मैं यू ही फॉर्मूला बना सकता हूं, फॉर और बट येट सो. अच्छा, ये आपने फॉर्मूला लिखा, लिख लीजिए फॉर और बट येट सो. ये सारे हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है. और भी मैं लिखवा लूं आपको, वो है फन बॉयज. फन बॉयज एफ और फॉर, और ये जो है फन नहीं, इट इज फैन. ए फॉर एंड, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. So ये जो आपके पास fan boys है, ये तमाम आपके पास coordinate conjunctions है जो आपको coordinate, यानी कि complex नहीं compound sentence बनाने में help करती है. कौन कौन सी, for, and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet,
एस फॉर सो, ये जो फन बॉयज है ये आपको बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों ये जो लिखा गया है इन स्पाइट ऑफ ए स्मॉल बग, अगर वो छोटा बच्चा था उसने जेंट के साथ, हाँ वेरी मैसिव बॉडी के साथ उसने क्या किया, उसने उसको मुकाबला किया था। अब देखिए हम इसको कैसे चेंज करेंगे, अभी जो ये बना है ना, ये जो बना है इसको ये भी है कॉम्प्लेक्स, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स से हमने जाना किसमें, कंपाउंड में। तो ये हमें इंस्पायर्ड ऑफ को मिटाना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इस सबऑर्डिनेट कंजक्शन को मिटा देंगे हम, वो लाएंगे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तब जाके हमारे पास बनेगा कौन सा कंपाउंड। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल बॉय, अगर वो छोटा बच्चा था फिर भी उसने क्या, बड़े जेंट के साथ उसने मुकाबला किया था। ये देखो ही फॉर द जेंट, यहां पे ये है पास्ट सिंपल, क्या है ये पास्ट सिंपल टेंस है, क्यों, यहां पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है फिर ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा हमारा पास्ट सिंपल टेंस। तो बात पास्ट की है, अभी की बात नहीं है भाई, उस छोटे बच्चे ने जेंट के साथ, क्यों अगर सिंपल आ सकता है, जिन के साथ बड़ा मुकाबला किया था, क्या मतलब छोटा बच्चा आज था, छोटा बच्चा अभी नहीं है, बड़ा हो गया है, तो कैसे लिखेंगे इसको, बड़ा आसान है, ही वॉज अ स्मॉल बॉय, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ही वॉज अ स्मॉल बॉय, ही वॉज अ स्मॉल बॉय बट he fought the giant, इसका आंसर है, he was a small boy but he fought the giant। अब but हमने लाया तो but हमारे पास coordinate conjunction है, और coordinate conjunction की help से हमारा क्या बनाए, बोलो मिलके, ये हमारा बना compound sentence, दिख रहा है, मैंने लिखा है he was a small boy but he fought the giant, he was a small boy but he fought the giant, okay। आई होप कि यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा आसानी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट एक है, बड़ा ही मजेदार सवाल है, ये लिखा है द स्टूडेंट्स फिनिश देयर गेम्स एंड एंटर द क्लासरूम, इसको सिंपल बनाना है, इसको सिंपल बनाना है। देखो ये आपको एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने से पहले यू मस्ट हैव अ वेरी साउंड नॉलेज रिगार्डिंग दिस सेंटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, हाउ वी चेंज डायरेक्ट टू, हाउ वी चेंज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड एंड वाइस वर्सा, दिस ऑल टेक्निक्स यू मस्ट नो, यू ऑफ टू नो दिस टेक्निक्स बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, ओके। सो I will make you understand how these changes change, how this change occur grammatically. देखो सबसे पहले क्या लिखा है यहां पर हमारे पास लिखा है make a compound sentence. You know what is compound? ये बना लिया हमने, sorry. The students finished their game and entered. अब देखो यहां पर and आया है. Now because of this and, this is a coordinate conjunction. This sentence is simply what is we call it as a compound. ये compound है. इस compound sentence को हमने क्या बनाना है बोलो? We have to change this to a simple sentence. We have to change this compound to simple. And simple sentence, the sentence having main verb and one class. Simple sentence, the sentence having main verb and one class. Only one class without any sort of conjunction. There, in case of simple sentence, there is no conjunction. In case of complex and compound, there are conjunction. In compound, we call them as a coordinate conjunction. And in complex, we call them as subordinate conjunctions. Like in case of simple, there are no conjunctions. Understood? Okay. So I have to remove this. I have to remove out this condition. इसको मैं हटाना पड़ेगा. Okay, understood? So I have to change this and. इसको रखना नहीं है. अब मुझे बनाने का तरीका सोचना है कि कैसे मैं एक ही क्लास में इन दोनों को पिरो लूं. कैसे लिखेंगे? बताइए. The students entered the class after they finished their games. How simple this is? क्या लिखेंगे?
द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लासरूम आफ्टर दे फिनिश्ड देयर गेम्स. After they finish their games, this is the paper of KS, JKS. ये 2022 का paper है. हाँ, latest paper आया हुआ है. इसी को हम answer कर रहे हैं. The students entered the classroom. मैंने क्या किया? मैंने students को लिखा entered the classroom after they finish their game. So यहाँ ये after जो है, this after is a preposition. So it is not a conjunction. So I have changed correctly this by a conjunction. So यहाँ पर हमने after के बदले ये लिखा है. Okay. So maintain silence. इसके बाद जो है the students entered the classroom after they finished their game. इसके बाद देखो यहां पर मैंने एक ही क्लास रखा है. आपको लग रहा है कोई अलग क्लास है? नो क्लास, कोई नहीं है. स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम आफ्टर दे फिनिश द गेम, यहां तक कोई क्लास नहीं है, एक ही क्लास है. मेन वर्ब भी है इसमें एंटर्ड है. ओके okay. सो यहां पर करने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वन मैन मीट इज द अनदर मैन पॉइजन. ये हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है. वन मैन इज मीट इज, ये हमारे पास जो ये फ्रेज है इसका ये मतलब होता है एक बंदे की जो पसंद है वो दूसरे की नहीं हो सकती, दूसरे की जो तीसरे की नहीं हो सकती है. इसका ये मतलब नहीं है एक बंदे का गोश्त दूसरे बंदे का पॉइजन है. नो, लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो हाउ वी चेंज दिस, वन मैन मीट इज अनदर मैन पॉइजन, मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं. इट इज वेरी सिंपल आंसर इसका है, जो मैं समझता हूं इसका जो आंसर होना चाहिए. देखो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है. कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें कंपाउंड जो है, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन को लाना पड़ेगा. अब इसमें कंपाउंड जो हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है उनमें बहुत सारे हमारे पास है, ऑल्दो है, दो है, हाउएवर है, ये सारी चीजें इसके अंदर है. अब हमने यहां पर वो चूज करनी है जो परफेक्टली है. अरे दोस्तों, हमने इन सभी के आंसर जो है वो यहां पे लिखे हुए हैं. एक्चुअली अभी हमारा क्लास का टाइम हुआ है, ऑफलाइन क्लास का टाइम हुआ है, तो यहां से लेकर जो बचा पोर्शन है वो हम अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे इसी डिटेल के साथ, बल्कि इससे मजीद डिटेल के साथ. मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको, आपने इस वीडियो को क्लियरली एंजॉय करा होगा. हमने कोशिश करी है कि आपको आंसर्स दे ग्रामेटिकल रूल्स के बेसिस पे. ठीक है, फिर भी कोई बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो दीजिए दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, लाइक करें तो ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी के पास क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाए. Take care. We will meet in the next video. Haan, definitely. Inshallah, we will meet in the next video. And I will explain this all paper in a very comprehensive way. Till then, thank you so much for watching this video. Okay, take care. Allah Hafiz.